बस्तर क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याओं के विरोध में शुक्रवार को पूरे प्रदेश सहित भिलाई में चक्काजाम कार्यक्रम किया गया, जिससे प्रदेश सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि यह निर्मम हत्याएं कब बंद होंगी, अर्थात भाजपा कार्यकर्ताओं को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को खुर्सीपार गेट में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में चक्काजाम किया। उनका यह भी आरोप था कि बस्तर क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नक्सलियों के द्वारा घर में घुसकर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर पूरे भाजपा में आक्रोश देखा जा रहा था, जिसे लेकर शुक्रवार को पूरे प्रदेश भर में भाजपाइयों के द्वारा चक्का जाम किया गया। भिलाई के खुर्सीपार गेट में भी पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में पार्षदों और सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे को 3 घंटे तक जाम कर प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लगातार आपराधिक एवं नक्सली घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। विगत 15 दिनों में 3 भाजपा नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना से पूरा प्रदेश सकते में है। छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में नक्सली बेखौफ होकर भाजपा कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर उन पर गोलियां बरसा रहे हैं और राज्य सरकार इस पर मौन है। दुख और आक्रोश दोनों का समय। आज इस तपती धूप में हम सब यहां पर चौराहे में सड़क पर कोई शौक से नहीं बैठे हैं। पिछले 4 सवा 4 साल से लोकतंत्र में जो हम इस बात का हमें भरोसा है कि जिसे भी जनादेश मिलता है उसका कार्य है कि वह जनता का कार्य करे और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें यदि गलत दिशा में कार्य करती है तो समय समय पर हमें उन्हें सदन से लेकर के सड़क तक और आम से लेकर के खास तक उन्हें सचेत करने का जो अधिकार प्राप्त है उस अधिकारों का हम उपयोग करते हैं और ये हमने किया है पिछले 4.25 साल। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है, हम देख रहे हैं कि सामने जो तस्वीरें हैं, हमारे स्वर्गीय रामधर पूर्व सरपंच है, ये चिता मेहता बारासूर की, पुलिस सरकार कुछ नहीं करती बोले नक्सलियों ने इनफॉर्मर समझ के इनकी हत्या कर दी। 16/1/2023 को 16 जनवरी को स्वर्गीय बुधराम करताम जी का जो जिला मंत्री थे बस्तर जिला में, उनकी हत्या होती है। फिर सरकार का यही बयान आता है कि नक्सलियों ने मुखबिर समझ करके उनकी हत्या कर दी। ठीक उसके 10 दिन बाद 5/2 को स्वर्गीय नीलकंठ कंकेम जो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे उत्तर बीजापुर में, उनकी हत्या होती और उसके 5 दिन बाद ही सागर साहू जी की हत्या जो नारायणपुर के जिला उपाध्यक्ष हैं उनकी की जाती है। और सब में एक ही बयान है कि नक्सलियों द्वारा उन्हें इन्फॉर्मर समझ करके हत्या की गई। मेरा सरकार से पूछना है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही क्यों नक्सली इन्फॉर्मर समझ रहे हैं? अगर उनकी बात सही है तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नक्सलियों के साथ खड़े हैं और नक्सलियों के नक्सलवाद को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं और उनको कांग्रेस की सरकार संरक्षण दे रही है? लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि इन चारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस भूपेश सरकार के द्वारा संरक्षित नक्सलियों द्वारा कथित रूप से हत्या की गई है
और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण। नक्सलियों द्वारा हमारे बस्तर संभाग के 4 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या AK-47 से घर में घुसकर की गई है। उसके विरोध में आज भिलाई विधानसभा में हम कुर्सीपार गेट पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आज चक्का जाम का आह्वान किया गया। आने वाले समय में अपने प्रत्येक कार्यकर्ताओं के लिए हम किसी प्रकार संगठित रहेंगे और जो भयाक्रांत करने का प्रयास किया जा रहा है उसके खिलाफ प्रत्येक मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। भाजपा द्वारा किए गए चक्का जाम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आम जनमानस को आवागमन करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोग लगभग 3 घंटे तक हलाकान रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।